Hah? हम लोग अभी कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं टोटल। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। अब जो न्यू टॉपिक हमारा फाउंडेशन, फाउंडेशन ठीक है, फाउंडेशन ठीक है ना, या कुछ बोलते हैं न्यू के प्रकार, न्यू के प्रकार कौन कौन से होंगे न्यू के प्रकार। तो आप लोग एक बार ध्यान देना, इसमें सबसे पहला फाउंडेशन होता है अपना उथली न्यू, उथली न्यू, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन ठीक है, सेलो फाउंडेशन। दूसरी जो होती है हमारी गहरी न्यू, या इसको कह सकते हैं हम लोग डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ और दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं सेलो फाउंडेशन की अगर बात करूं तो एक बार ध्यान देना आप लोग, अगर इसकी बात करो यहाँ पर, अगर सेलो फाउंडेशन की अगर बात करो तो इसकी जो डेप्थ होती है यानी गहराई, इसकी जो गहराई होती है ना, इसको बोल कर सकता हूँ यहाँ पर डेप्थ ठीक है। इसकी गहराई या फिर जो डेप्थ होती है हमारी, इसकी जो डेप्थ होती है वो, इसकी गहराई डेप्थ होती है इसकी, वो विड्थ से या फिर चौड़ाई से क्या होती है हमारी, कम होती सर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि उथली न्यू या सेलो फाउंडेशन की जो गहराई होती है डेप्थ, वो कम होती है किससे, विड्थ से ठीक है ना, चौड़ाई। यानी कहने का मतलब ये होता है थोड़ा उथला फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन आप लोग क्या होता है, मैंने कल अच्छे से इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो फाउंडेशन यानी ये होता है भैया कि आप लोग अगर कोई कॉलम वगैरह खड़े कर रहे हो यहाँ पर, क्या बोला मैंने कि आप लोग अगर कोई कॉलम्स वगैरह खड़े कर रहे हो यहाँ पर, आप कॉलम्स वगैरह खड़े करने के लिए जैसे आप लोग कुछ ना कुछ जमीन के अंदर गड्ढा खोदोगे ना, गड्ढा खोदोगे ना, तो एक बार देखना गड्ढा खोदोगे ना तो कॉलम को खड़े करने के लिए, स्तंभ को खड़े करने के लिए हम जो गड्ढा खोदते हैं जमीन के अंदर, तो हम लोग ये बोल सकते हो उसकी जो गहराई है ना वो कितने डेप्थ तक हम खोदा, तो यानी कहने का मतलब उसकी जो गहराई है वो कम है और उसकी चौड़ाई ज्यादा है। यानी उदाहरण के तौर पर मान लो ये हो गई सी, ये हो गई थी हमारी सी बिल्ट, ये हो गई हमारी कैसे की बिल्ट, बिल्ट मान लो हमारे में 15 सेंटीमीटर ठीक है ना, और यहाँ पर जो गड्ढा खोदा ना हमारे ये वाला गड्ढा खोदा मान लो ये कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो कहने का अर्थ ये होगा कि ये होगी अपनी गहराई और ये होगी इसकी चौड़ाई, उसकी जो गहराई होती है ना वो कम होती किससे, चौड़ाई से ठीक है ना। इसीलिए तो एक बार ध्यान देना, इसलिए इस फाउंडेशन का उपयोग हम लोग, इसलिए इस फाउंडेशन का उपयोग या इस फाउंडेशन का उपयोग, इस फाउंडेशन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो कम वजन वाली संरचना होती है ना, कम भार वाली संरचना, या फिर बोल सकते हैं लाइट या अपना लो लोड के लिए है ना, लो लोड के लिए इसके में यूज करते हैं। वैसे भी अगर बात करो सर एक गहरी फाउंडेशन की अगर बात करो यहाँ पर, तो इसकी जो गहराई, इसकी जो गहराई होती है ना, या बोल सकते इसको मैं डेप्थ, इसकी गहराई या जो डेप्थ होती है वो बड़ी होती है किससे, विड्थ से ठीक है ना, विड्थ या फिर चौड़ाई से। और इसको एक बार ध्यान देना आप लोग, इसको हमेशा हेवी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जो हेवी स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं ना, यानी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं होती है वहां पर हम लोग कौन सा फाउंडेशन लगाएंगे, सो डीप फाउंडेशन का यूज करेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आएगा होगा।
लेकिन एक बात ध्यान देना, इसका जो निर्माण कार्य होता है, इसका जो निर्माण कार्य होता है ना, इसका जो निर्माण कार्य होता है, या बोल सकते वर्किंग वर्किंग ऑफ कंडक्शन, इसका जो निर्माण कार्य होता है हमारा, वो हेवी होता है। हेवी यानी थोड़ा कठिन होता है, हेवी को बोल सकते हैं थोड़ा कठिन होता है। वैसे ही है ना, इसके साथ में हमेशा क्या होता है कि इसमें ये वेव होता है, वेव या फिर है ना इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल थोड़ा क्या होता है इसमें ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। या तो यही होगा हमारा क्या डी फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन को आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि सेलो फाउंडेशन गहराई जब चौड़ाई थोड़ी कम होती है जबकि इसकी गहराई थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग भैया कि सेलो फाउंडेशन टाइप्स कौन कौन से हो गए, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलो फाउंडेशन के टाइप्स। क्या पढ़ने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन। ठीक है, तो देखो उथली नींव के प्रकार, उथली नींव कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले होती है स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन। क्या कहा मैंने, सबसे पहले जो है स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन, है ना, सबसे पहले होता है हमारा स्प्रिट फुटिंग, स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन। बताओ ना क्या होता है सर करके फाउंडेशन। दूसरा हो गया हमारा आरसीसी स्प्रिट फुटिंग, आरसीसी स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक है, पहला हो गया हमारा सर स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन, आरसीसी स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन। मैं आप लोगों को सब किसके टाइप से लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को ये सेलो फाउंडेशन के, ठीक है, यानी उथले नींव के आप लोगों को टाइप से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तीसरा जो होता हमारा कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, कंबाइन हो गया हमारा, स्प्रिट हो गया, आरसीसी हो गया। इसके बाद अगला होता हमारा राफ्ट फाउंडेशन, स्टेबल फाउंडेशन, स्टेबल फाउंडेशन। इससे अगला होता है राफ्ट फाउंडेशन। छठा होता हमारा ग्रेनेज फाउंडेशन। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को सारे एक एक करके अच्छे से डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, एक एक करके हर चीज आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि ये फाउंडेशन वगैरह होते क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो भैया ये हमारे जो टोटल जो फाउंडेशन होते हैं ना, ये होते छह प्रकार के। कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं हमारे, छह प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं सर, ये टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन की। ठीक है,